राज्य में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव में 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है। कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस अपने ही पुराने संकट से नहीं उभर पा रही है। राज्य में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच घमासान जग जाहिर है। चुनाव नजदीक आते देख सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने अलग अलग चुनावी कैंपेन भी शुरू कर दिया है। वहीं सितंबर 2022 में पार्टी के अंदर हुए घमासान पर गांधी परिवार अशोक गहलोत पर कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रही है। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में सितंबर 2022 में पार्टी के अंदर जमकर बवाल हुआ था। सितंबर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव भी सामने आया था। तब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्य का पर्यवेक्षक बनाया गया था। दोनों ही शीर्ष नेताओं ने पार्टी के अंदर मचे घमासान की रिपोर्ट आलाकमान सोनिया गांधी को सौंपी थी, जिसका कोई हल नहीं निकला था। अब इस पूरे मामले पर खड़गे और गांधी परिवार के बीच पहले विवाद का विषय राजस्थान संकट बन रहा है। गांधी परिवार के करीबी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान में जो किरकिरी हुई उसके गवाह खुद मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इसलिए उसी हिसाब से उनको फैसला कर लेना चाहिए। साथ ही खड़गे के करीबियों का कहना है कि मामला सोनिया गांधी की अध्यक्षता के वक्त का है, इसलिए जो वो कहेंगी उसी आधार पर फैसला कर दूंगा। लेकिन अब गांधी परिवार के करीबी सूत्रों की माने तो खड़गे का यही रुख गांधी परिवार को रास नहीं आ रहा है। उनके मुताबिक जब सब खड़गे के सामने हुआ था, वो खुद 25 जुलाई को बतौर पर्यवेक्षक जयपुर गए थे, तो उनको उसी आधार पर फैसला करना चाहिए। अब ये गांधी परिवार खुद थोड़ी उनको बोलेगा। माना ये भी जा रहा है कि गांधी परिवार न्यूट्रल रहे, लेकिन जयपुर में जो हुआ उस पर फैसला हो, यानी सीएम अशोक गहलोत पर गाज गिरे। शायद इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट को उनसे बार बार मिलने का मौका मिल रहा है। आखिरी मुलाकात के बाद सचिन पायलट की 5 दिन की किसान यात्रा, जनसभा और कार्यकर्ता सम्मेलन पर निकल रहे हैं। तो साथ ही दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार के कामकाज की समीक्षा के लिए चिंतन शिविर करने जा रहे हैं।